ये देखे मैं क्या पी रही हूँ, केला, केले का शेक। चीनी नहीं है इसके अंदर ऐड, कोई इसके अंदर फ्लेवर नहीं है, सादा सा दूध है, सादा सा केला इसके अंदर मैंने ऐसे शेक बनवा के उसको पी रही हूँ सुबह सुबह, बहुत अच्छा होता है। और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा केले खाती हूँ, मुझे वैसे बहुत पसंद है। मैं सारा सारा दिन में 12-12 केले दर्जन जो है वो आराम से खा जाती हूँ। मेरी बेटी भी 7 केले 6 केले आराम से खा जाती है। हम गलियों में जब वॉक कर रहे होते हैं तो हम केले बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। मैं बचपन से खा रही हूँ, जब अपनी मम्मी के साथ वॉक पे जाती थी रात को अंडे ब्रेड लेने के लिए, नाश्ता कर लेने के लिए जाते थे हम लोग सुबह के लिए, तो रात को वॉक करके जाते थे खाना खाने के बाद, सारे बच्चों को लेके अम्मी जाती थी, अम्मी के 8 बच्चे थे, हम सारे बच्चे लाइनों में आगे पीछे, तो अम्मी बस रेडी वाले से ले लेती थी केले और उसके बाद एक एक केला करके तोड़ती रहती थी, एक एक बच्चों को देती रहती थी। इस तरह से दर्जन, 2 दर्जन केले 3 दर्जन केले पता ही नहीं लगते थे। और जब बच्चे ज़्यादा हो ना तो केले वाला खाते हैं, ऐसे ही है। तो ऐसे अम्मी हमारे साथ किया करती थी। तो हम लोग के कद भी ना इसी तरह बहुत लंबे लंबे हैं, इसी वजह से आपकी हाइट बहुत लंबी हो जाती है जब आप बचपन में केले खाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, उसके बाद केले खाना शुरू कर देते हैं हाइट के लिए। तो अगर हाइट आपको लंबी करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है केले। अगर आपको बालों में ग्लॉसिंग चाहिए, आपके बाल सिल्की चाहिए, और बच्चियां जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, बाल घने नहीं हो रहे होते हैं, और उनके बालों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है केले। ये बात लोगों को समझ नहीं आती, मगर बहुत सिल्की शाइनी बाल अगर आपको चाहिए तो केले। हमारे बांग्लादेश में अगर मैं बात करूँ तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बाल खूबसूरत होते हैं, वहाँ की लड़कियों के सांवली होती हैं, थोड़ी डार्क कलर की होती हैं, मगर उसके बावजूद उनकी स्किन में ग्लो, शाइन, ग्लॉसी, ग्लास स्किन होती है उनकी, और बिल्कुल उनके ना चमकती हुई स्किन के साथ चमकते हुए काले काले स्याह बाल होते हैं। जितनी बंगालें हैं, जितनी बंगाल से ताल्लुक़ रखती हैं मेरी बहनें, वो सारी इसी तरह खूबसूरत, कलर डजेंट मैटर कि आप बहुत गोरे चिट्टे। मैंने बहुत सारी ऐसी खूबसूरत बंगालें देखी हैं, ऐसी प्यारी प्यारी कि आप मिसाल देख लें, रेखा को देख लें, मुझे देख लें। अभी बंगला कथा बोलते पड़ी मैं, ओखाने था कि बंगाली अमी। अच्छा तो आप देखें ना, रेखा आईने में मुँह देखा, उनको देखें तो उसके बाद मैं आपको बताऊं, चाहे कोई दुनिया की आप अंग्रेज़ गोरी चिट्टी कोई हीरोइन खड़ी कर दें, उसके आगे जश्दी कोई नहीं है। वो इतनी हसीन है, उसकी एक एक आवाज़, बाल, चेहरा सब बोलता है। तो इसी तरह बहुत सारी लड़कियां जो बंगाल साइड से हैं, जो डार्क कॉम्प्लेक्शन में हैं, वीटिश में हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी लगती है। तो आप केले का क्या क्या फ़ायदा है, मैंने आपको स्टार्ट में 2 चीज़ें बता दी। एक तो ये कि बालों के लिए बहुत अच्छी है, चेहरे की ग्लॉसिंग के लिए बहुत अच्छी है, और साथ साथ मैं आपको इसके तिब्बी फ़ायदे अब बताना शुरू करती हूँ। केलों के फ़ायदे का जो इस्तेमाल है ना, अगर आप रोज़ाना अच्छी तरीके से केला खाएं, अगर आप बहुत कमज़ोर हैं और लागर हैं, हड्डियों के ढांचे हैं, तो आप केला अगर खाएंगे तो आपकी सेहत बहुत खूबसूरत हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। मेरी अम्मी तो लोगों को मशवरा करती थी कि साबुदाने की खीर बनाएं, उसमें ऊपर केला डाल के खाएं, तो बहुत जल्दी आप वेट गेन भी कर लेते हैं और ज़रा आपका जिस्म जो है ना अच्छा शेप अच्छा हो जाता है। अच्छा, उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो बेवक्त की जो भूख होती है ना, वो बेवक्त की भूख आपकी ख़त्म कर देता है, आपका पेट भर देता है, आपके लिए सबसे अच्छा एक फाइबर वाली डाइट है। उसके साथ साथ जो है ज़हनी अमराज जो है उसके लिए बहुत फ़ायदे हैं। इसमें देखें, केले में एक ट्रिप्टोफैन नामी जूस पाया जाता है जो सेरोटोनिन की मिकदार को बढ़ाता है, और अहम बात यह कि सेरोटोनिन की मिकदार जब बढ़ती है तो ज़हनी अमराज से बचाव में मदद मिलती है। कितनी अच्छी चीज़ है। इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो आपके मूड को खुशगवार बना देता है, आपका हैप्पी हार्मोन्स जो है वो जाग जाता है। मूड के बारे में मैं आपको बताऊं, केला जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ है, एक अहम किरदार अदा करता है केला आपके मूड के हिसाब से। बहुत से लोग आपने देखे ना सड़ावा मुँह लेके आ जाते हैं, तुमने केला खाया है सुबह, क्यों, रोज़ तुम केला खाओगे, रोज़ सड़ावा मुँह लेके मेरे सामने कैमरे के आगे तक खड़ा हो जाता है, इसलिए मुँह जो है ना बैंगन की तरह फूला हुआ लग रहा है। केले खाया करो, ठीक है, एक दर्जन लाया करो, आधा दर्जन मुझे दिया करो, आधा दर्जन खुद खाएगा। अच्छा देखा कितनी जोर जोर से हंस रहे हैं। अच्छा केले खाए ना तो आपको पता है आप गुस्से में नहीं आ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आपके चेहरे पे बकायदा जो है ना एक चमक रहती है, आपका हैप्पी हार्मोन जो है वो जाग जाता है और पता चलता है कि आपके चेहरे पे जो स्माइल आई है आप मुस्कुरा रहे हैं। तो मूड का खुशगवार अगर आपने बनाना है तो फिर केले खाना है। मज़े का लग रहा है शेक में। उसके बाद बताती हूँ, मैदे के लिए, स्टमक के लिए इतना मुफीद है केला। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है,
मैदे के मसले होते हैं, हमारे पेट के मसले होते हैं। जब आप फाइबर वाली चीज़ें खाएं ना, तो आपके मैदे के अमराज बहुत सॉफ्ट सेटल रहते हैं। तो उनको सेटल रखने के लिए, जैसे घर में बीवी को सेटल करने के लिए स्पेस देनी पड़ती है ना, उसी तरह हमें फाइबर खाना पड़ता है हमारे अंदर के हालात को ठीक करने के लिए। ठीक है। अच्छा, मुझे अगर फूड पॉइजनिंग या फिर अल्लाह ना करे कोई डिहाइड्रेट बॉडी हो जाए, तो मैं सबसे पहले जो है ना, दही में मैं केला डाल देती हूँ, उसको अच्छी तरीके से भले ग्राइंड कर लूँ, काट के डाल दूँ, अच्छी तरीके से इसमें तरीके से मैं खा लेती हूँ। और 24 घंटे के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है केला। और कुछ लोग जैसे इसबगोल नहीं खा सकते ना, तो पता है एक बड़ी अच्छी आसान सी टिप है जिसमें आपको मज़ा भी आएगा, कि आपने क्या किया, केला छीला, उसके बाद आपने एक प्लेट में इसबगोल और साथ में थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा वो आपने रख लिया। ठीक है। उसके बाद केले को आपने ऐसे जैसे ना, या किसी सेंटर में स्टिक उसके अंदर डाल के, तो जैसे कुल्फ़ी बन गई, उसके इर्द गिर्द पूरा आपने जो है ना ऐसे उसको, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे आपने केला उसके अंदर डाल दिया, उसके बाद आपने पूरा उसको जैसे सीख कबाब सेकते हैं ना सीख में, उस तरह उसको इसबगोल और खोपरा लगा के, तो फिर आपने ऐसे केला खा लेना, तो आपका पेट, मैदा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। नज़ला सबको होता है, ज़ुकाम होता है ना, तो इसके लिए क्या है, केला इसका इलाज है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नज़ला इतना बुरा तंग करता है, तो ये खिलाए ना। हमारे जिस्म को पोटेशियम की कितनी ज़रूरत होती है पता है ना, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यही केला खाना है। दिल की धड़कन जो है उसको मज़बूत करती है, आपकी जो मसल्स हैं, ये जितने मेरे बॉडी बिल्डर भाई हैं ना, जो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के जिम में भाग रहे हैं, उनके लिए तो केला ही है। वो केला खाएंगे तो उनके मसल्स बनेंगे। 422 ग्राम पोटेशियम पाई जाती है उसके अंदर, तो इस पोटेशियम को भाई खाएंगे तो मिलेगा ना उनको, सिक्स पैक्स बनाने या डोले बनाने, दबंग वाले है ना, तो रणवीर कपूर वाले। पाकिस्तान में तो हमारे पास कोई ऐसा हीरो है ही नहीं जिसका मैं नाम बोलूं कि सिक्स पैक्स हैं उसके पास, है ना, उसके पास सब सारे पैक हीरो हैं, बंद करके पैक हीरो है हमारे, किसी के कोई सिक्स पैक्स नहीं है। इतने दुबले दुबले चूजे चूजे, सब में आयोडीन की कमी है, इतने दुबले मेरे भाई हीरो, कोई हीरो लगे तो सही, शर्ट कोई फाड़े ऐसे तो लगे फटा पोस्टर निकले हीरो, कोई तो बॉडी हो, कोई तो हीरो, हीरो खेतों में भाग। अच्छा, अब मेरे बहुत से ऐसे भाई हैं जिनकी बॉडी है, ऐसे जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत से ऐसे मैंने देखे, तो मगर उनको चांस ही कोई नहीं है, वो बेचारे दिन रात जिम में ख्वार हो रहे, मगर उनको कोई चांस नहीं दे रहा। मगर वो जो हमारे भाई बहुत दुबले दुबले पतले पतले सिगरेट की शेप वाले, वो हीरो हैं। अच्छा, फिर खैर, आपको पता है जिस्म में खून की कमी कितनी ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये खून की कमी पैदा नहीं होने देता। केले में इतना ज़्यादा आयरन होता है, इतना ज़्यादा आयरन होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और आयरन हमें बहुत ज़रूरी है, औरतों को तो हर हाल में चाहिए होता, मैं बताएं क्यों। प्रेग्नेंट वुमेंस जितनी भी होती हैं, उनको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब आपकी प्रेगनेंसी। और मैंने ग्लोइंग स्किन के बारे में क्यों बोला था, क्योंकि जिल्द के लिए इसलिए मुफीद है कि इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए तो लोग केले का छिलका भी मुंह पर रगड़े होते हैं। इधर आपने केला खाया, इधर आपने केले का छिलका रगड़ना शुरू कर दिया, तो लगाएं आप केले का छिलका मुंह पे, विटामिन सी है इसके अंदर। ये सब बकवास है। मैंने थोड़े दिन पहले एक देखी थी रील वायरल किसी की, खुदा के लिए झूठ ना बोला करें, ये सोशल मीडिया अगर बहुत ज़्यादा बूम कर गया, बूस्ट कर गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको नाजायज़ और गलत फ़ायदा उठाया। ठीक है, ये हिकमत की चीज़ें हैं। आप कुछ भी जो खाएंगे वो आप लगा भी सकते हैं। अगर किसी चीज़ के अंदर विटामिन सी पाई जाती है, वो आप खा रहे हैं, आपको अंदर तो मिल रही है, अगर उसके किसी छिलके में या उसके किसी फ्रूट में अगर आपको कोई मास्क का लेप लगा के या उसको मल के अपने चेहरे पे भी विटामिन सी या कोई चीज़ मिल रही है, तो यू कैन हैव इट। ओके, किसी ने बोला ये सब बकवास है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई हमें तो पड़ता है, मुझे तो बहुत सूट करता है, आई लव ये केले के मास्क एंड ऑल, मैं तो बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, हद होती है। गुर्दों के लिए इतना अच्छा है ना केला, मैं आपको क्या बताऊँ। गुर्दों के जितने भी मरीज़ हैं, उनको तो सबसे पहले ये अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, ये खाना ही चाहिए हर हाल में। प्रेगनेंसी का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक तो आप अपना ख्याल रख रहे हैं, और अपना ख्याल इसलिए भी रख रहे हैं कि डबल आपने जो आपके कोख में बच्चा पल रहा है उसको वो सारी ग़िज़ाएँ देनी है, वो डाइट। अच्छा, कुछ बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं ना, तो माओ को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मेरा बच्चा ये नहीं खा रहा, मेरा बच्चा वो नहीं खा रहा। क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि माँ ने नहीं खाया होता। जब आप प्रेग्नेंट हों, जो जो चीज़ें आप खाएंगी वो बच्चे के टेस्ट बाइट में मुझे लगता है उसी वक्त बढ़ जाती है।
तो ये चीज़ें खानी चाहिए, ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट वुमेन को केला खाना चाहिए। केले का मास्क बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, वो आप कभी बालों में लगाओ कितना मज़ा आएगा। बाल जैसे सिल्की यूं उठाएं ऐसे तो ऐसे गिरेंगे, इतना सिल्की टेक्सचर, इतना ज़बरदस्त ये है फल केला। केला खाएं, केला लगाएं, और केले की ब्रेक है। आई विल बी बैक।